एक विजनरी साइंटिस्ट। उन्होंने मानव समाज को एक ऊंचाई दी। उसका एक अनोखा ऑब्सेशन। हम स्पेस में जाना चाहते थे क्योंकि वो जाना चाहते थे। और एक रहस्यमय पास्ट। आपको ये बात समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। उन्होंने आदमी को चांद पर भेजने का एक मकसद बनाया, लेकिन क्या वर्नर वॉन ब्राउन का ये मकसद स्वार्थी था, या उन्हें दूसरे ग्रहों से संकेत मिलते थे? वर्नर वॉन ब्राउन शायद कुछ ऐसी परग्रही शक्तियों के संपर्क में थे जो हमें ब्रह्मांड को और बेहतर समझने में मदद करती। सभ्यता की शुरुआत से ही हम इस दुनिया को बनाने का सारा क्रेडिट भगवान और परग्रहियों को देते आ रहे हैं, लेकिन यह अंदाजा सच हुआ तो क्या परग्रही शक्तियां सच में हमारी दुनिया और इतिहास को शेप करने में कोई रोल अदा करती है? और अगर ऐसा है तो क्या वर्नर वॉन ब्राउन भी उनसे प्रभावित हुए थे? हंट्सविल, अलबामा, 24 जुलाई 1969। कोर्ट हाउस स्क्वायर में हजारों की भीड़ डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन की पृथ्वी पर सफल वापसी देखने जमा हुई। अपोलो 11 के कोलंबिया कमांड मॉड्यूल के पैसिफिक ओशन में टकराने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने वो कर दिखाया जो कईयों को असंभव लगता था, एक आदमी को चांद पर उतारना। अगले कुछ दिनों तक अखबार इसी मिशन की तस्वीरों से भरे रहे और इसके रॉकेट इंजीनियर वॉन ब्राउन की तारीफें करते रहे। वो पिछली सदी के सबसे फेमस व्यक्तियों में से एक थे और शायद अपने वक्त से काफी आगे भी। वॉन ब्राउन का मानना था कि इंसानों का भविष्य स्पेस में है। वो अमेरिका की स्पेस प्रोग्राम की सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे। नासा ने उन्हें फादर ऑफ रॉकेट साइंस का नाम दिया। वॉन ब्राउन को आज तक की सबसे अच्छी एरियल टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट और डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है, जैसे सुपरसोनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फर्स्ट अमेरिकन सैटेलाइट और पहला यूएस स्पेस व्हीकल, जिसमें आदमी को चांद पर ले जाने वाला सैटर्न वी रॉकेट भी शामिल है। दोस्तों, अपोलो प्रोग्राम को मानव इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है और बिना वर्नर वॉन ब्राउन शायद हम कभी चांद पर नहीं पहुंच पाते। आज भी सैटर्न वी इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट है। वॉन ब्राउन की अद्भुत इंजीनियरिंग को मिशन मून जैसा एक रास्ता मिला और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1950 में जब स्पेस ट्रेवल बस एक कल्पना लगती थी, वर्नर वॉन ब्राउन ने लोगों के शक को दूर करने के लिए वॉल्ट डिज्नी के साथ एक टीम बनाई और लोगों को समझाया कि आदमी का चांद पर जाना न सिर्फ संभव है बल्कि वो ऐसा अपने जीते जी करके भी दिखाएंगे। लगभग 42 मिलियन लोगों के द्वारा देखी गई इस फिल्म में वॉन ब्राउन ने ये घोषणा की थी कि वो न सिर्फ इंसान को चांद पर भेजेंगे बल्कि प्रोटेक्टिव सूट्स, लूनर लैंडिंग व्हीकल्स, ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन बनाकर लोगों को मंगल पर भी भेजेंगे। अगर आज हम एक व्यवस्थित और वेल सपोर्टेड स्पेस प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मेरे अंदाजे से 10 सालों के अंदर हम प्रैक्टिकल पैसेंजर रॉकेट को टेस्ट कर पाएंगे। मगर भविष्य और ब्रह्मांड के लिए ऐसी अद्भुत दूरदर्शिता रखने वाला ये इंजीनियर असल में था कौन? आखिर उसे इंसानों के स्पेस ट्रेवल पर इतना भरोसा क्यों था? और वो वहां पहुंचकर आखिर क्या खोजना चाहता था?
वर्नर वॉन ब्राउन का जन्म 23 मार्च 1912 को ईस्टर्न प्रशिया के एक छोटे से गांव में हुआ। वो एक मंझले बेटे थे। वर्नर एक वेल टू डू फैमिली से थे, लेकिन इतनी ठाट बाट के बाद भी उनकी चतुरता और जिज्ञासा किसी से छिपी नहीं रही। मुझे नहीं मालूम उसमें ऐसा अद्भुत टैलेंट कहां से आया। ये शब्द थे उनके पिताजी के, जिन्होंने अपने बेटे को एक रहस्यमय शख्स के रूप में ही देखा। वर्नर वॉन ब्राउन मल्टी टैलेंटेड थे। उनके दिमाग के दोनों हिस्से जबरदस्त काम करते थे। वो टेक्निकल चीजों जैसे रॉकेट्स और स्पेस ट्रेवल के बारे में एक साथ सोच सकते थे, और तो और वो एक कमाल के म्यूजिशियन भी थे। उनके माँ बाप को उनकी इन कलाओं का 4 से 5 बरस की उम्र में ही अंदाजा हो गया था। बचपन में उनकी माँ ने उन्हें एक टेलीस्कोप दिया, जिसमें से उन्होंने चांद को देखकर एक दिन वहाँ जाने की बात कह दी थी। एक दिन मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो मुझे चांद पर ले जाएगी। और कुछ दशकों बाद उन्होंने अपनी इस बात को सच भी करके दिखाया। वर्नर वॉन ब्राउन एक ऐसे समय में बड़े हो रहे थे जब जर्मनी के साइंस फिक्शन लेखक एक बचकाने ब्रह्मांड की कल्पना करते थे। उनकी किताबों में जर्मन इंजीनियर्स को एक मसीहा जैसा दिखाया जाता था। कुछ फिल्में जैसे फ्रिट्ज लैंग्स मेट्रोपोलिस और वुमेन इन द मून ने भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और वॉन ब्राउन भी उन लोगों में शामिल थे। 1920-30 के दशक में जवान हो रहे एक लड़के के लिए ऊंचा उड़ना और अंतरिक्ष में पहुंचना बस एक दूर के सपने जैसा था। हालांकि 1903 में राइट ब्रदर्स ने लोगों को उड़कर दिखा दिया था, लेकिन बग्गी और घोड़ा तब भी ट्रांसपोर्टेशन के अहम साधन थे। उस वक्त एक इंसान का चांद पर जाना एक असंभव और ना समझ कल्पना लगती थी। वॉन ब्राउन चांद पर जाने के लिए उतावले थे, और बचपन से उन्होंने मंगल पर जाने का सपना भी देखा था। अपनी किशोर अवस्था में ही वॉन ब्राउन ने ऑर्बिटल फ्लाइट पर पेपर्स लिखे, और 20 की उम्र तक उन्हें आर्मी आर्टिलरी ऑफिसर कैप्टन वॉल्टर डॉनबर्गर के द्वारा जर्मनी का रॉकेट प्रोग्राम हेड बनाया गया। 1952 में अपनी किताब V2 द फायरिंग इनटू स्पेस में डॉनबर्गर ने भी लिखा कि वो युवा वॉन ब्राउन की ऊर्जा, मेहनत और ज्ञान से काफी प्रसन्न थे। जब वो किसी चीज पर काम करते थे तो खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक देते थे और बेहद कम समय में उसके बारे में सब जान लेते थे। वो एक ट्रेनी इंजीनियर थे और फिजिक्स में PhD कर रहे थे। उन्होंने ऐसे समय पर PhD कर ली थी जब उनके हम उम्र के लोग कॉलेज में होते हैं। लेकिन वर्नर वॉन ब्राउन में ऐसा क्या था कि उन्होंने रॉकेटरी के मामले में निकोला टेस्ला, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियसेस को भी पीछे छोड़ दिया, और उनके स्पेस ट्रैवलिंग को लेकर इस पागलपन के पीछे की वजह क्या थी? कुछ पुराने एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि उनके ये अभिलक्षण गुण परग्रहियों से आते थे। उन्होंने उन साइंस फिक्शन किताबों से अपनी कल्पना को मजबूत किया था। शायद उन्होंने खुद ही ऐसे अद्भुत भविष्य की कल्पना की थी, या उनके ये सारे गुण किसी बाहरी शक्ति की देन थे। 101 ब्राउन के साथ कोई परग्रही घटना हुई होगी, किसी चीज या शक्ति ने उन्हें बताया होगा कि हमारी सभ्यता को कैसा होना चाहिए, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए, और कैसे हम ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन टेस्ला को परग्रही उपदेश मिलते थे, और इसी वजह से वो इतना विस्तृत ज्ञान बटोर पाते थे। लेकिन फिर सवाल आखिर ये भी उठता है कि क्या वर्नर वॉन ब्राउन भी उनमें से एक थे, क्योंकि उनके विचार और आइडियाज भी उनके वक्त से काफी आगे के थे। क्या परग्रही शक्तियों ने वर्नर वॉन ब्राउन को मानव सभ्यता को चांद और उससे परे ले जाने के लिए चुना? इस बात को और बेहतर समझने के लिए
हमें वॉन ब्राउन के एना नेरबा नाम के एक नाजी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े संबंधों को समझना होगा। ১৯৩৩ में एडॉल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी के नेतृत्व में जर्मनी के मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल में ले लिया। वर्नर वॉन ब्राउन कई सालों तक नाजी पार्टी की सदस्यता से मुंह फेरते रहे, मगर 12 नवंबर 1937 को उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी गई और उन्हें झुकना पड़ा। उनके दो ही ऑप्शन थे, नाजियों के साथ जुड़ना या जान गंवाना, और उन्होंने पहले रास्ते को चुनना ही ठीक समझा। वॉन ब्राउन को नाजी मूवमेंट कभी रास नहीं आया, लेकिन उन्हें ज्वाइन करने से उनके रॉकेट बनाने में उनकी दखल कम हो गई थी। 1944 में जर्मन सरकार की वित्तीय सहायता से वॉन ब्राउन ने 45 फुट ऊंचा और 27,000 पाउंड भारी A4 रॉकेट लॉन्च किया और इसके कुछ वक्त बाद V2 या वेंजेंस वेपन भी बनाया। वॉन ब्राउन का पहला रॉकेट महज 1.4 माइल्स तक जाता था, लेकिन V2 108.5 माइल्स की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम था और इस तरह वो स्पेस में पहुंचने वाला पहला रॉकेट बना। V2 रॉकेट असल में एक वन स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट था, जिसकी तुलना उसके समय के दूसरे रॉकेट से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो सफल ही नहीं होते थे। रॉकेट्स तो काफी बन रहे थे, मगर वॉन ब्राउन ने V2 के साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया, जिसकी वजह से V2 स्पेस में पहुंच पाया। लेकिन कैसे इतने कम वक्त में वर्नर वॉन ब्राउन ने जर्मनी के रॉकेट प्रोग्राम को इतना एडवांस बनाया? क्या इसका कारण उनका उतावला देश जर्मनी था, जो उन्हें पैसे और साधन मुहैया करवा रहा था, या वजह कुछ और भी थी? 1 जुलाई 1935 को हिटलर के SS कमांडर हाइनरिक हिमलर ने एना नेरबा इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसका ऊपरी उद्देश्य जर्मन्स की कल्चरल आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानना था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल एना नेरबा आर्यन रेस के आइडिया को पुनर्जीवित करने वाला सेंटर था। उनके प्रमुख कामों में से एक था दुनिया भर में घूमकर कोवेनेंट और होली ग्रेल जैसी रहस्यमयी तथ्यों और रचनाओं को तलाशना। वॉन ब्राउन हाइनरिक हिमलर के साथ अपनी नजदीकियों की वजह से नाजियों की आर्यन विचारों के भी करीबी होते चले गए। उनके हिसाब से रॉकेटरी एक पुराना आर्यन रहस्य था, और ऐसे कई रहस्य थे जिनकी डिस्कवरी उन्हें दुनिया में राज करवा सकती थी। जब यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो एना नेरबा ने अपनी रिसर्च की दिशा सीक्रेट वेपन्स प्रोग्राम्स की तरफ घुमा दी, और हिमलर ने अपने टेक्निकल डायरेक्टर वॉन ब्राउन को उत्तरी पश्चिम जर्मनी के पेनामुंडा में एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटी दी, और आने वाले कुछ सालों में वॉन ब्राउन ने रॉकेट प्रोपल्शन के विज्ञान को नई ऊंचाइयां दे दी। उसने ऐसा एरोडायनामिक्स एंड रॉकेट गाइडेंस सिस्टम बनाया जो सबकी सोच से परे था। आप खुद भी ये सोच रहे होंगे कि उन्हें इस लेवल का एडवांस नॉलेज आखिर मिला कैसे। एक रीजन हो सकता है कि एनहर्बे के रिसर्चर्स, जो पहले एंशिएंट रिलिक्स की खोज के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे थे, शायद वो ही उनके काम आ गई हो। क्या ये भी एक संभावना है कि एना नेरबा के रिसर्चर्स ने वो एंशिएंट रिलिक्स ढूंढ ही लिए हो, जिन्होंने उन्हें वैसे एडवांस वेपन्स बनाने में हेल्प किया हो? कुछ पुराने एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि नाजियों ने सच में अपने कुछ पुराने रिलिक्स रिकवर किए थे, लेकिन किसी खोज से नहीं, बल्कि एक परग्रही शक्ति से। 1937 में साउथ वेस्ट पोलैंड में आकाश में एक मल्टी कलर्ड रोशनी दिखी, और अगर इतिहास की माने तो ये एक UFO था जो बाद में जमीन से आकर टकरा भी गया था। रिपोर्टर्स की माने
तो जब रिसर्च टीम क्रैश साइट पर पहुंची तो वहां उन्होंने एक अजीब सी आकृति का स्पेसशिप देखा। कहा जाता है कि कुछ नाजी अफसर उस डैमेज शिप को पास के ही एक सिक्योर फैसिलिटी में लेकर गए, जहां उसे एक्सपर्ट्स ने जांचा, जिनमें वर्नर वॉन ब्राउन भी शामिल थे। हालांकि उस यूएफओ की जांच से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, मगर जर्मन इंजीनियर्स ने बाद में कई रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट बनाए, जिनमें पहला रॉकेट पावर्ड जेट फाइटर, फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर और एंटी ग्रेविटी पावर्ड सॉसर शेप्ड व्हीकल भी शामिल थे। रिसर्च से पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध तक नाजियों ने इतनी तरक्की कर ली थी, ऐसे हथियार बना लिए थे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए कल्पना जैसे हैं। एंटी ग्रेविटी बीम वेपन्स, ई वेपन्स, फ्लाइंग सॉसर्स, फ्लाइंग ट्रायंगल्स, ऐसे हथियारों की बात आज भी रहस्य बनी हुई है। जून 1945 में यूएस आर्मी ऑफिशियल्स ने जर्मन साइंटिस्ट्स के बारे में एक रिपोर्ट में कहा कि नाजी लोग रॉकेटरी के मामले में यूनाइटेड स्टेट से 25 बरस आगे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि उन्हें ऐसा ज्ञान आखिर कैसे मिल गया, और क्या इन सब के पीछे वॉन ब्रॉन थे जिनकी वजह से नाजी रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई थी कि उन्हें भी किसी बाहरी स्रोत, संभवतः परग्रहियों से ये जानकारियां मिलती थी, जिसकी वजह से वो रॉकेट टेक्नोलॉजी को इतने आगे ले जा पाए। क्या वॉन ब्रॉन के द्वारा किए जा रहे आविष्कार असल में पुरानी एलियन टेक्नोलॉजीज ही थी, जिन्हें वो बस आकार दे रहे थे? पुराने एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि असल में नाजियों द्वारा बनाए गए हथियार नहीं, बल्कि युद्ध के बाद अमेरिका में आई एडवांस हथियारों की बाढ़ इस बात का सबूत है। ओबरयॉर्क, जर्मनी, मई 1945। हिटलर की आत्महत्या के कुछ वक्त के बाद वर्नर वॉन ब्राउन और दूसरे कई जर्मन रॉकेट इंजीनियर्स ने यूएस आर्मी की काउंटर इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दिया, मगर इस मूव की प्लानिंग उन्होंने महीनों पहले ही कर रखी थी। वॉन ब्राउन और उनके कॉलीग्स ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अमेरिकन्स को सरेंडर किया था, ताकि उन्हें हाई टेक्नोलॉजी का एक्सेस और उन्हें अपने चांद और मंगल पर खोज के लिए जाने वाले सपने के लिए बेटर मौके मिले। हालांकि वो नाजी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी के V2 रॉकेट प्रोग्राम के हेड के तौर पर US अथॉरिटीज को उनके कुछ 100 साथियों की टीम को अमेरिका लाने के लिए मना लिया, और फिर लगभग 1500 जर्मन साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने वॉन ब्राउन को US में ज्वाइन किया। ये सब ऑपरेशन पेपरक्लिप नाम के सीक्रेट मिशन नाम से हुआ। ऑपरेशन पेपरक्लिप एक बड़े अधिकारियों का प्राइवेट सीक्रेट ऑपरेशन था, जो नाजी वैज्ञानिकों को और उसमें भी नाजी रॉकेट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अमेरिका लाने के लिए किया गया, ताकि अमेरिका को अपना रॉकेटरी प्रोग्राम बनाने में मदद मिले। ऑपरेशन पेपरक्लिप को दशकों तक दबा कर रखा गया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें ये ज्ञान, संभवतः परग्रही ज्ञान जो इन नाजी साइंटिस्ट के पास था, अपने स्पेस प्रोग्राम को उनसे बेटर बनाने के लिए चाहिए था। 1945 में यूएस आर्मी ने 33 साल के वॉन ब्राउन और उनके साथियों को असाइन किया, और उन्हें न्यू मेक्सिको में व्हाइट सैंड्स ग्राउंड मिसाइल टेस्ट रेंज में रखा। 1940 से व्हाइट सैंड्स सेना की कटिंग एज रॉकेटरी और स्पेस ट्रेवल की टेस्टिंग साइट बनी हुई है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो वॉन ब्राउन का काम अमेरिकियों को कैप्चर किए हुए V2 रॉकेट्स को रीबिल्ड करना और लॉन्च करना सिखाना था। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वॉन ब्राउन एक और सीक्रेट जॉब भी कर रहे थे। फॉर्मर आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल फिलिप कॉर्सो ने अपनी बुक द डे आफ्टर रॉसवेल में बताया कि उस जगह पर कई क्लासिफाइड R&D प्रोजेक्ट्स, जैसे स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट आदि होते थे।
लेफ्टिनेंट कर्नल फिलिप कॉर्सो ने कई साल यूएस मिलिट्री में सर्व किया था और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने खुद एलियन टेक्नोलॉजी रिकवर करने में हेल्प की थी, जिसमें वो क्रैश्ड व्हीकल भी शामिल थे जिसे रॉसवेल न्यू मैक्सिको से 1947 में रिकवर किया गया था। एक थ्योरी ये भी है जो कहती है कि रॉसवेल की एलियन टेक्नोलॉजी और शायद दूसरे क्रैशेस से मिली टेक्नोलॉजी को व्हाइट सैंड्स प्रूविंग ग्राउंड, जहां वर्नर वन ब्राउन काम कर रहे थे, ये सारी R&D सब कुछ एलियन टेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है। कॉर्सो ने क्लेम किया कि आज मिलने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर्स में इसी तरह की इंजीनियरिंग का यूज होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ टेक्नोलॉजी एक्सप्लोशन कई लोगों की समझ से परे है, इसीलिए उन्होंने वर्नर वन ब्राउन और नाज़िस को इन टेक्नोलॉजीज का श्रेय दिया। कुछ क्लेम्स हैं जो बताते हैं कि डीक्लॉक नाम का एक टॉप सीक्रेट नाज़ी सुपर वेपन अमेरिकन के हाथ लग गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे द बेल भी कहा जाता था। उसे यूनाइटेड स्टेट्स लाने के लिए नाज़ी जनरल हांस कामलर के साथ एक गुप्त डील भी हुई थी। इस डील में वही लोग शामिल थे जो मेटल वर्क और पेनामुंडा जैसे वेपन्स बनाने के काम में शामिल रहे थे। डाइग्लॉक या द बेल नाज़ी वर्ल्ड वेपन्स प्रोग्राम की सर्वोच्चता को दर्शाता था। उसकी 9 फीट डायमीटर वाली बेल कई मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज रखती थी। वो साइंटिस्ट जो इसके साथ संबंधित थे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारियां जुटाई, वो बताते हैं कि इसके अंदर एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टीज थी। हमें ये स्वीकारना ही पड़ेगा कि जर्मन साइंटिस्ट ही इन सब का कारण थे और ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दरअसल कथित रूप से उन एलियन रिप्रोडक्शन व्हीकल्स में भी यूज की जा रही थी, जिन्हें बाद में नाज़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था। इस बात की भी चर्चाएं थी कि नाज़ियों के सीक्रेट वेपन्स का एक बड़ा जत्था मेटल वर्क के अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में रखा गया था। 1990 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट विली क्रामर ने बताया कि लगभग 70 टन का मटेरियल जो मेटल वर्क के लैब में था अब मिसिंग है। क्या हो सकता है कि वो मिसिंग मटेरियल अमेरिकियों के हाथों लग गया हो? शायद इस बात के और सबूत वर्नर वॉन ब्राउन की आदमी को चांद पर भेजने के अनसुलझे किस्से को समझकर जुटाए जा सकते हैं। 1950 के दशक में अमेरिकियों का साइंस फिक्शन की तरफ एक अलग ही झुकाव रहा और परमाणु बम के युग में उन्हें सब कुछ संभव लगने लगा था। वर्नर वॉन ब्राउन ने इस झुकाव को एक मौके की तरह देखा और लोगों को अपने स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताने लगे और उन्होंने साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट्स में बदल दिया। 1952 में उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसकी वजह थे कॉलियर मैगजीन में लिखे उनके आर्टिकल्स, जिसमें वो स्पेस लाइफ के बारे में बात करते थे। और अगले 2 साल में वॉन ब्राउन ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ टीम बना ली जो उनके ही तरह स्पेस को लेकर काफी पैशनेट था। उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। 3 फिल्मों के दौरान वॉन ब्राउन ने डिज्नी के मॉडल और एनिमेशन आर्टिस्ट का इस्तेमाल अपने स्पेस प्रोग्राम के विजन को दर्शाने के लिए किया। यहाँ हमारे पास 2,40,000 माइल्स दूर मौजूद चांद और पृथ्वी की एक स्केल ड्राइंग है। हमारा रॉकेट शिप इसी इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। हमें शिप को चांद से आगे रखना होगा ताकि वो दोनों स्पेस में एक ही वक्त पर साथ आ पाए। भले ही हमारे पास अब थ्योरेटिकल नॉलेज है, मगर चांद पर पहुंचने के लिए इस थ्योरी के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में सालों लग सकते हैं। वर्नर वॉन ब्राउन एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और विजनरी का मिश्रण थे।
वॉन ब्रॉन एक रेयर कॉम्बिनेशन थे और शायद उनकी यही खासियत उन्हें दूसरे वैज्ञानिकों से बहुत अलग बनाती थी। चार अक्टूबर 1957, बायकोनोर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान। सोवियत यूनियन ने स्पुटनिक को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च करके दुनिया को हैरान कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने अमेरिका को हरा दिया था और स्पेस में इंसानों द्वारा बनाई कोई चीज भेजने वाला पहला देश बन गया था। सोवियत यूनियन ने पहला मैनमेड सैटेलाइट स्पेस में भेजकर यूनाइटेड स्टेट्स को हैरान कर दिया था। स्पुतनिक का पृथ्वी के ऊपर उड़ना एक डर का माहौल बना रहा था, क्योंकि अब सोवियत अमेरिकियों को देख सकते थे और वो कभी भी एक न्यूक्लियर मिसाइल पॉइंट कर सकते थे। ये एक तरह के वेकअप कॉल जैसा था, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि रशियंस टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस से पीछे थे। अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम ने अब रफ्तार पकड़ी और आने वाले कुछ सालों तक वर्नर वॉन ब्राउन ने डिजाइन टीम को लीड किया, जिसने पहली अमेरिकन सैटेलाइट और पहले आदमी को स्पेस में भेजा। उस वक्त बन रहे सभी रॉकेट्स वॉन ब्राउन के V2 डिजाइन की तर्ज पर बन रहे थे। 3, 2, 1, ये सुनने में कितने भी इम्प्रेसिव क्यों ना लगे, लेकिन इसके बाद वो जो कदम उठाने वाले थे वो शायद पहले कभी नहीं लिए गए थे। 20 जुलाई 1969 को 57 साल के वर्नर वॉन ब्राउन ने एक इंसान के तौर पर पृथ्वी के बाहर स्पेस में दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर कदम रखा था। हम तुम्हें सुन पा रहे हैं ईगल। ट्रैंक्विलिटी बेस, हेलो, ईगल लैंड हो गया है। इंसान के द्वारा लिए उन छोटे कदमों ने इंसानियत को एक ऊंची छलांग दी है। वर्नर वॉन ब्राउन का बचपन का सपना, जिसे हर कदम पर लोगों ने असंभव कहा, आखिरकार सच हो गया। हम बग्गी और घोड़ों से होते हुए 60 साल में चांद तक पहुंच गए थे। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लोगों के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक रहा। हम काफ़ी जल्दी काफ़ी आगे निकल आए। चांद तक पहुंचने के लिए काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके सैटेलाइट की दिशा में कुछ अंश का भी अंतर आया तो वो चांद की ट्रेजेक्टरी को मिस कर जाएगा और सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं पहुंचेगी। तो एक ही समय पर ऑर्बिट की दिशा और उन कैलकुलेशंस को सही ढंग से करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी रही। मगर वॉन ब्राउन को उस तरह की सही कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी जानकारियों का कैसे पता था? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि इंसान को ना सिर्फ चांद पर भेजा जा सकेगा बल्कि वापस भी लाया जा सकेगा? उन्हें चांद का वो एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल पुल का डेटा, अर्थ के ऑर्बिट को भेजने के लिए जरूरी स्पीड या स्पेस में शिप पर पड़ने वाले रेडिएशन के प्रभाव का अंदाजा आखिर कैसे हुआ? हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, सब सही लग रहा है। और 15 साल पहले ही जब वॉन ब्राउन वॉल्ट डिज्नी के मैन इन स्पेस प्रोग्राम्स में आने लगे, उन्हें इन सारी बातों के जवाब कैसे मालूम थे? मेरे विचार से इसके पीछे शायद उन बाहरी शक्तियों का साथ हो सकता है जो वर्नर वॉन ब्राउन की हेल्प कर रही थी। शायद यही वो की मोमेंट थे जिनकी वजह से मानव समाज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना पाया, और अगर हमें उनका साथ नहीं मिलता तो हमें यहाँ तक पहुँचने में शायद दशकों लग जाते। वर्नर वॉन ब्राउन लोगों को चांद पर ले जाने के अलावा भी और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। वो स्पेस में लोगों की कॉलोनी बनाना चाहते थे। शायद इसके लिए वो किसी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल शक्ति से प्रभावित हुए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वॉन ब्राउन ना सिर्फ एलियन इंटेलिजेंस से गाइडेड थे बल्कि चांद तक पहुंचने की सारी चीजों को बनाने में भी उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का साथ मिला था? कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं नासा ने दुनिया को सिर्फ वो बताया जो जरूरी था। असल में उन्हें बताई गई जानकारी के अलावा भी कई चौंकाने वाली चीजें मिली थी जिनके बारे में बातें बाहर नहीं की जाती हैं।
ये PGNS के लिए गाइडेंस रिकमेंडेशन है, तुम टेक ऑफ के लिए तैयार हो। 21 जुलाई 1969, चांद पर पहुंचने के लगभग 21.5 घंटों बाद लूनर मॉड्यूल ईगल खुलकर कमांड मॉड्यूल कोलंबिया से रीजॉइन हो गया और अर्थ की तरफ वापस आने लगा। एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ 47.5 पाउंड लूनर सरफेस मटेरियल लेकर आने लगे और उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एक अमेरिकन फ्लैग और एक छोटा सा हल अपोलो 11 मिशन की याद में चांद पर ही छोड़ दिया। लेकिन सबसे पेचीदा चीज जो उन्होंने वहां छोड़ी वो थी ऑलिव ब्रांच से बनी एक गोल्ड रेप्लिका और साथ ही एक सिलिकॉन डिस्क जिसमें 73 वर्ल्ड लीडर्स के अमन और शांति के संदेश रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन इस तरह के शांति के संदेश अंतरिक्ष में क्यों छोड़े गए? कुछ एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अपोलो प्रोग्राम के मास्टरमाइंड वर्नर वॉन ब्राउन अपोलो मिशन की मदद से नासा से भी ज्यादा जानकारियां जुटा चुके थे जिन्हें कभी बाहर नहीं बताया गया। वर्नर वॉन ब्राउन ने कहा था कि अगली वर्ल्ड वॉर ईटीज के बीच होगी। उनकी ये बात काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो बस इतना साफ कर रहे थे कि अब आगे कोई विश्व युद्ध नहीं होंगे क्योंकि अब हमारे पास एटॉमिक हथियार है। कुछ और लोगों को शक था कि उन्हें किसी तरह की अलग सी जानकारी मिल गई थी जिसकी वजह से वो लोगों को चेता रहे थे। एक और कहानी कहती है कि वॉन ब्राउन ने क्लेम किया था कि उन्हें स्पेस में जाने के लिए उनसे मदद मिलती है, और उस जमाने में अगर एक्स्ट्रा टेरिस्टर्स के बारे में किसी को सबसे ज्यादा मालूम था वो थे सिर्फ वॉन ब्राउन। कुछ एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट ने कहा कि हमारे चांद तक पहुंचने में एलियंस का सिर्फ थोड़ा योगदान नहीं है बल्कि जब हमें सिर्फ थोड़े सबूतों की जरूरत है ये साबित करने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। और वो क्लेम करते हैं कि इस बात के पक्के सबूत हमें अपोलो मिशन से लाई गई चीजों से मिल सकते हैं। 1972 में हुए अपोलो 17 मिशन की सारी बातें और जानकारियां हमें नहीं दी गई और मून लैंडिंग्स की जानकारियों में भी काफी बंदरबांट हुई है और ऐसा करने के लिए नासा फेमस रही है। अपोलो 17 सच में एक टेक्निकली एडवांस मिशन था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमसे पहले यहाँ कोई जियोलॉजिस्ट आए। मून लैंडिंग्स के लिए चुनी गई जगह भी काफी अलग सी थी। वहाँ कुछ पहाड़ और ऊंची चट्टानें थी जो धरती के पहाड़ों जैसी नहीं थी। उनमें से एक हेक्सागन की शेप में था और वो बिल्कुल किसी साइंटिफिक फिल्म के सेट जैसे थे लेकिन उनसे 100 गुना बड़े और मजबूत। एस्ट्रोनॉट सीधे इस हेक्सागनल माउंटेन पर पहुंचे। उन्होंने अपनी शिप को इसे एक पहाड़ी पर पार्क किया और वो लूनर रोवर से बाहर निकला है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अगले 20 से 30 मिनट नासा ने रोवर के कैमरा को कंट्रोल किया। उन्होंने हर चीज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स की हरकतों को रिकॉर्ड नहीं किया। इनके पास इस वी शेप डिप्रेशन में भटकने के लिए काफी समय था और वो टहले भी। चलो वापस चलते हैं। हाँ चलो। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हम किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को तब तक नहीं देख पाए जब तक कि वो लूनर रोवर में वापस नहीं आ गए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो वहाँ जो ढूंढ रहे थे और उन्हें वहाँ जो मिला वो दो अलग चीजें थी। क्या उन्हें कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिल गई थी? पुराने एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि उस हेक्सागनल पहाड़ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो दिखी थी वो थी शॉर्टी क्रेटर। यहाँ ऑरेंज मिट्टी है। वेल, रुको, मुझे देखने दो। ये चारों तरफ है ऑरेंज। शॉर्टी क्रेटर में आप ऑरेंज मिट्टी देख सकते हैं जो उस लैंडिंग साइट से मिली थी, और वो मिट्टी ऑरेंज इसलिए थी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा थी जो काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात आपको क्रेटर को देखने पर पता चले। आप जो देख रहे हैं वो चीजें खुली आंखों से सिर्फ सामान्य पत्थरों जैसी लग रही हैं। लेकिन इसकी स्टडी करने वाले इंजीनियर्स के लिए वो एक मैकेनिज्म है, और उसके ठीक बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसे जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किसी इंसानी खोपड़ी की तरह दिख रही है। माइक बेरा और उनके साथी रिसर्चर रिचर्ड होगलैंड ने शॉर्टी क्रेटर से अर्ली जनरेशन नेगेटिव्स प्राप्त किए और उन फोटोज के कलर्स को बढ़ाने से पता लगा कि नजर आ रही सारी चीजें मेटालिक हो सकती हैं। सबसे इंट्रिगिंग चीज ये थी उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपरी हिस्से में एक लाल चमकदार स्ट्रिप जैसा कुछ था, और भले ही वो पत्थर जैसे लगे मगर वो चमक रहे थे। इसी वजह से हमें वो धातु जैसे लगे, लेकिन बाद में हमें इस बात का अंदेशा होने लगा कि शायद जो हम देख रहे हैं वो एक इंसानी रोबोट का सर भी हो सकता है।
हो सकता है कि हमसे पहले वहाँ कोई शिप आया हो जो ब्लास्ट हुआ हो, क्योंकि उसने इतने सारे मैकेनिकल पार्ट्स वहाँ फैले हुए हैं। क्या नासा ने सचमुच चांद से एलियन से संबंधित चीजें रिकवर करी थी? हैरानगी की बात है कि 30 जून 1972 को अपोलो 17 मिशन से कुछ 5 महीने पहले वर्नर वॉन ब्राउन नासा से रिटायर हो गए। वो अपोलो प्रोग्राम की दिशा से नाखुश थे। हालांकि उन्होंने अपने स्पेस में वापस जाने की जिद नहीं छोड़ी और प्रयास करते रहे, और उस समय तक उनकी दोस्ती काफी बड़े लोगों से हो गई थी जो उन्हें हेल्प करते थे, मगर वो उनसे कहते क्या थे? क्या नासा की नाक के नीचे कोई दूसरा सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम भी था? पैसेडेनिया, कैलिफोर्निया, 22 जनवरी 2015। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अधिकारियों ने एक प्लान की घोषणा की। वो था मार्स हेलीकॉप्टर, एक ऐसा ड्रोन जो एक रोवर के मुकाबले 3 गुना दूरी तय कर सकता था। और उसी समय स्पेस एक्सप्लोरेशन के निजीकरण ने $300 बिलियन की नई इंडस्ट्री बना ली थी जो आने वाले वक्त में नासा को पिछाड़ सकती थी। और कुछ एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट भी मानते हैं कि वो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री असल में वर्नर वॉन ब्राउन का ही आइडिया था। वर्नर वॉन ब्राउन के पक्ष में 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स और इंडस्ट्रियल लीडर्स थे। तो आप इस प्राइवेट ग्रुप की क्षमता और साधन के बारे में तो समझ ही गए होंगे। अपनी खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे उनकी डेडिकेशन, जिसमें ना उन्हें सरकार को और ना लोगों को जवाब देना था, और वो बंधनों से मुक्त थे। 1972 में नासा से रिटायर होने के बाद वर्नर वॉन ब्राउन को बोहेमियन क्लब की मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा। ये कुछ सबसे ताकतवर लोगों का ग्रुप था जो अपने अजीब कारनामों के लिए मशहूर थे। मगर वहां आखिर होता क्या था? कहा जाता है कि बोहेमियन क्लब के कुछ लोग एक दूसरे प्राइवेट ग्रुप के भी सदस्य थे जिसका नाम था ब्रेकअवे सिविलाइजेशन, जो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाना चाहते थे जो देश, दुनिया और लोगों से परे हो। मुझे एक इनसाइडर ने बताया था कि वो स्पेस प्रोग्राम्स पर काम कर रहे थे। उनके पास सच में एक ब्रेकअवे सिविलाइजेशन का आइडिया था और उनके परग्रहियों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। वॉन ब्राउन जानते थे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के होने की खासी संभावना है, और स्पेस में जाने का उनका सपना भी शायद इसी बात से इंस्पायर्ड था कि वो परग्रहियों के साथ संपर्क बना पाएंगे। क्या ये सब कुछ उनका एक प्लान था जिससे कि हमें एक प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री मिल पाए जो पूरी तरह सीक्रेसी में काम कर सके? पिछले 60 सालों से हमने नई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बना ली है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं है। तो क्या अब नासा इससे बेहतर टेक्नोलॉजी बनाएगा, और क्या वो पहले से बेहतर हो पाएगी, और क्या वो इसे राज रख पाएंगे? सोलह जून 1977 को कैंसर से 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद 65 की उम्र में वर्नर वॉन ब्राउन का देहांत हो गया। उनके कब्र के पत्थर में बहुत कुछ नहीं लिखा है, बस बाइबल की एक इबारत लिखी है जो सॉम्स 19:1 में मिल सकता है, जो कहती है कि स्वर्ग भगवान के होने को सार्थक करता है और आसमान उसकी बनाई चीजों के होने को। वर्नर वॉन ब्राउन की भविष्यवाणियां, जिसमें वो इंसान को चांद पर भेजने, मंगल पर जाने और स्पेस स्टेशन बनाने की बात कहते थे, सब एक एक कर सच होती गई। मगर क्या ये दूरदर्शी वैज्ञानिक हमें इससे भी किसी बड़ी चीज के लिए चेता रहा था? 20 जनवरी 2015 को प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने घोषणा की, यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेस प्रोग्राम का अगला कदम इंसान को मार्स पर भेजना होगा। पिछले महीने अपने स्पेस प्रोग्राम को पुनर्जीवित करने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को मंगल पर ले जाएगा। मार्स से जो तस्वीरें ली गई हैं,
उनसे ऐसा लगता है कि वहां पर इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके ऊपरी हिस्से को ऐसे कुरेदा गया है कि उनमें इंसानी चेहरे देखे जा सकते हैं। क्या इस लाल ग्रह में इंसानों को खोजना या उन्हें बसाना नासा का अगला मिशन हो सकता है? मगर क्या ये बात सच नहीं कि इसकी कोशिशें सालों से चल रही थी, और क्या हम पहले कभी मंगल पर नहीं पहुंचे, या ये बात हमसे छुपाई गई? इस बात में कोई शक नहीं है, जब आप चांद की जमीन को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी कई टूटी फूटी चीजें दिखती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, और ऐसा ही कुछ मंगल की जमीन के साथ भी होता है। और इस बात की भी आशंका है कि शायद इन्हें हमने नहीं मगर हमारे जैसे ही लोगों ने बनाया हो। क्या नासा पहले भी ऐसे कुछ मिशन छुपकर कर चुका है मंगल और चांद पर, जिसके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं बताया गया? क्या पता कि हम चांद पर कई बार जा चुके हो लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया? क्या पता कि हमसे छुपाकर चांद और मंगल पर पहले काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, और शायद हमारे सोलर सिस्टम में एक से ज़्यादा चांद हो? चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वक्त आएगा जब हमें इसके बारे में सब कुछ साफ साफ बताया जाएगा और सच के ऊपर से पर्दा उठाया जाएगा। इसकी संभावनाएं हैं कि दुनिया के ग्रेटेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट को स्पेस पर पहुंचने की इंस्पिरेशन हमारी नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से मिलती हो। क्या वर्नर वॉन ब्राउन को मानव समाज को अंतरिक्ष में बुलाने के लिए चुना गया था, और क्या उन्होंने सिर्फ वही चीजें की और बनाई जो हमें बताई गई हैं? शायद जल्द ही एक दिन हम वॉन ब्राउन के स्पेस ट्रेवल के विजन को समझेंगे और शायद अपने एलियन एंसेस्टर्स से फेस टू फेस मिल भी लेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहां आपके सामरिक साथियों के बीच खड़ा हूं ताकि मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुना सकूं। हमारे अनुसंधान के बाद हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो हमारी सभ्यता और इतिहास के बारे में बड़े रहस्यों को समझाने में मदद करेगा। ये कोर्स है एंशिएंट एलियन सीजन 9, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इस कोर्स के अंतर्गत हम दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के बारे में गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उन्होंने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी। उन रहस्यमय यात्राओं को जानेंगे और जान पाएंगे कि क्या हमारे पूर्वज एलियंस थे, और हम एंशिएंट एलियंस के संबंध में प्राचीन लेखों, कला और संरचनाओं की जांच करेंगे ताकि हम उनके प्रभाव को समझ सकें। एंशिएंट एलियंस एक रहस्यमय विश्व है, तो ये कोर्स आपको ये भी सिखाएगा कि कैसे इन एलियंस ने हमारी संस्कृति, विज्ञान और तकनीक में कैसे योगदान दिया है। हम आपको विभिन्न थ्योरीज के साथ परिचित करवाएंगे, जैसे कि एलियंस एंड द क्रिएशन ऑफ मैन, द मिस्ट्री ऑफ प्यूमा पंकू, एलियन मैसेजेस जैसे और भी कई सारे टॉपिक। हर टॉपिक की लेंथ 40 से 45 मिनट्स होगी। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट sciencedocuments.graphy.com पर ही उपलब्ध है, जिसका प्राइस वैसे तो 1999 है, लेकिन स्पेशल वीकली ऑफर में ये आपको सिर्फ 599 में पड़ेगा। तो जल्दी से आज ही रजिस्टर करें और पाएं लाइफ टाइम एक्सेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये उस कोर्स का पहला एपिसोड है जो कि आपको YouTube पर फ्री में उपलब्ध है, और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे कोर्स को खरीदें, जल्द से जल्द खरीदें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे अभियंता और विद्यार्थी सहायता केंद्र आपके सभी प्रश्नों और संदेहों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं। आप हमें ईमेल, फोन या लाइव चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने में। धन्यवाद, और हम आपके पाठ्यक्रम में आपकी सफलता की कामना करते हैं।